जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावसपान संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM रेडियो वही अपना FM 107। जी लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं 107 FM और अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे जेब बंगश की प्यारी सी आवाज़। और इस वक्त हमारे साथ प्यारी सी, मनमोनी सी, खुश अखलाक, खुश गिरफ्तार, कोयल सी आवाज़ वाली जेब बंगश हमारे साथ हैं, जिनको हम वेलकम बोलेंगे अपने प्रोग्राम में। और वो हैं यहाँ हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाउ यू माय मैरिज? आई एम गुड, आप कैसी हैं जेब? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज़ नहीं आ रही, अब कुछ बेहतर है? हाँ जी, अब बेहतर है। सही सही जी। तो मैं पूछ रही हूँ, आप कैसी हैं जेब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू। बस लाहौर आई हुई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ गुजार रही हूँ। वाओ, जबरदस्त, ग्रेट। और सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो रिक्वेस्ट हमने आपसे की थी कि हम दोबारा आपको सुनना चाहते हैं, लिसनर्स की तरफ से बहुत इसरार था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे आपको लेके, ये रिक्वेस्ट आई थी बहुत सारे लोगों की तरफ से कि जेब को दोबारा ज़रूर इन्वाइट करें, तो आपने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका प्यार और आपका प्यार भरा इसरार देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हम तो चाहते यही है कि हमारी बात लोग समझ लें, तो मेरी हमारे लिए सबसे बड़ी बात ही होती है। थैंक यू, थैंक यू, जबरदस्त, ग्रेट। तो अभी आजकल लाहौर में है अपनी फैमिली के साथ, तो लाहौर आपका जाहिर सी बात है कि आपका वो शहर जहाँ पे आप रहीं पली बड़ी, तो बड़ी मेमोरीज भी होंगी और बहुत अच्छा लगता होगा यहाँ पे आके, लाहौर आके। जी बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की याद आ जाती है, फिर यह है कि पुराने स्कूल के दोस्त वगैरह भी हैं, तो एकदम से ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। तो लाहौर पे, लाहौर के साथ तो बहुत अच्छी अच्छी यादें वाबस्ता हैं, तो बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है जी, मजा आ रहा है। अच्छा, वैसे लाहौर के बारे में और लाहौरियों के बारे में कहा जाता है कि खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, तो जब आप तो जब आप लाहौर आती हैं तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपका दिल चाहता है फौरन से कि अब मैं इस रेस्टोरेंट जाऊंगी, वहां पे ये खाऊंगी, कोई है ऐसी चीज? जी आजकल तो आपको पता है कि वो कोरोना की वजह से काफी SOPs फॉलो किए जा रहे हैं, तो ज्यादा बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स तो बंद हुए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक लाहौर के खाने तो बिल्कुल हैं। वो कपरी सिनेमा का मैं खाती हूँ, हम लोग नाश्ता करते हैं तो वो घर पे मंगवा लेते हैं, या फिर ग्राटो की जलेबियाँ होती हैं, या फिर बिस्मिल्ला टिक्का होता है, और चांपे हैं तो लाहौर की ये चीजें हम खाते रहते हैं। और आजकल फिश का है तो वो फिश का मौसम है तो फ्राइड फिश भी हम खाते हैं घर पे, तो बड़े जबरदस्त खाने खा रही हूँ जी आजकल। वाओ, जबरदस्त। और उम्मीद करेंगे जेब इतनी दुबली पतली, अच्छा मुझे लग रहा है कि आपने वेट थोड़ा लूज किया है, तो ये इरादतन हुआ है या फिर वैसे ही बस हो गया? जी इरादतन तो हुआ था, लेकिन अब मेरे ख्याल में इस माह में अब शायद वो सारा मैं वापस पुट ऑफ कर दूंगी, बिकॉज मैं अपने ये लाहौर के खानों के सामने बिल्कुल वीक हो जाती हूँ, मेरा बिल्कुल बस नहीं चलता। सही, चलें कोई बात नहीं, आप वैसे इतनी प्यारी सी लग रही होती हैं हमेशा ही, चाहे आपका वेट कम हो ज्यादा हो, लेकिन आप लगती बहुत क्यूट हैं, बहुत प्यारी लगती हैं जी। थैंक यू जी सेब। अच्छा वैसे तो आज ये है कि लिसनर्स की चॉइस पे आप आई हैं, तो मैंने लिसनर्स से ये वादा किया कि उनके सारे सवालों के जवाब जो जो उनके जहनों में है वो भी हम लेंगे, और साथ ही साथ मैं पहले एक मुबारकबाद आपको देना चाहती हूँ। माशाल्लाह से आप जब पहले आई थी और उसके बाद अब जब आपने मुझे ज्वाइन किया है, तो 4 आपके न्यू प्रोजेक्ट्स आ गए हैं और चारों ही कमाल के हैं, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे जी। सबसे इम्पॉर्टेंट जो सबसे पहले जिसके बारे में बात करना चाहूंगी जेब, वो आपने जो अल्लामा इकबाल का अल्लामा इकबाल डे पे जो कलाम पढ़ा है, सबसे पहले तो मुबारकबाद, इतनी खूबसूरती से आपने वो कलाम पढ़ा और इतना इंसाफ किया उसके साथ, तो उसके लिए बहुत मुबारकबाद आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत बड़े एजाज की बात थी कि उन्होंने कि मुझे एयरफोर्स वालों ने चुना ये करने के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं काफी ज्यादा डरी हुई भी थी, क्योंकि बहुत
बहुत बड़ी हस्ती हैं और उनका कलाम भी बहुत भारी भरकम है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और मैं कर पाई इसको थोड़ा बहुत. नहीं, बहुत अच्छी तरीके से आपने अदायगी की है, और उसमें जो एक कॉम्बिनेशन है फारसी का उर्दू के साथ, और कलाम एक तो इतना खूबसूरत है, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जी मेरी तो ज़बानों पे लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि मेरी कोई इतनी दस्तरस नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से आपका ये फ़न है और आपकी ये एक्सपर्टीज़ है कि आप मुख्तलिफ़ ज़बानें बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, तो आप समझ भी अच्छी तरीके से पाई होंगी उस कलाम को। तो कैसा लगा वो कलाम की जो उसकी जो एक उसकी सोच है वो कितनी आपके ऊपर असरअंदाज हुई? जी ये जो ये जो एक नज़म है अलामा इकबाल साहब की, तो ये इसमें से एक जो मिसरा है, दरियास्त के सहरास्त के दरियास्त तहे बालों परे मास्त, ये हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का मोटो है, तो ये हर जगह होता है. तो इन्होंने उन्होंने एक्चुअली ये सोचा कि पूरी नज़म पढ़ी जाए और इसको इसको एक तरह से एज अ सॉन्ग एंथम की तरह से उसको पेश किया जाए. तो शुरू में तो मैं जानती थी कि ये बेसिकली यूथ के लिए गाना है, और एक मछली जो कि दरिया में होती है, समंदर में एक छोटी सी मछली होती है, मछली का बच्चा होता है, और वो ऊपर शाहीन, यंग शाहीन से गुफ्तगू करती है, और वो ये कहती है कि मैं यहाँ पे सब कुछ जो है मेरे इर्द गिर्द ये सब कुछ चल रहा है, वो उसको अपनी तरफ खींचना चाहती है, अपनी दुनिया की तरफ, उसके मसाइल, उसकी खूबसूरतियां, उसकी तरफ ये जताना चाहती है कि समंदर में ही सब कुछ है. और जो शाहीन होता है, तो शाहीन रिप्लाई करते हैं कि मुझे जरूरत नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नीचे दरिया में क्या है या सहरा में क्या है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज ये होती है कि आपको नजर देनी, आपकी नजर कहाँ पे है. तो अगर मैं आगे देख रहा हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या मुश्किलात हैं. तो इसमें बड़ी एक इंस्पायरिंग, बहुत वलवले वलवला अंदेज मनवाला खेज एक वो है, मैसेज है कि अगर इंसान अपनी मुसीबतों, दुनिया की मुसीबतों से, दुनिया के की खूबसूरतियों से मतलब इतना ज्यादा मुतासिर ना हो कि उसकी नजर अपने अपने उस पे अपने मकसद पे जुड़ी रहे, पे लगी रहे, तो फिर वो कुछ भी कर सकता है, फिर वो हमेशा एक शाहीन की तरह होगा. तो ये चीज जब मैं वापस आई, अब देखिए पूरा मैंने लॉकडाउन अपने फैमिली से भी दूर गुजारा है, और इस दौरान इतने लोगों, इतने अजीज लोगों को हमने खोया भी है और बीमार भी वो हुए हैं. तो बहुत ही आजकल के जमाने में हम सब इसी चीज से परेशान हैं कि आगे होगा क्या, लेकिन यह है कि ये चीज पढ़ के मुझे इतनी स्ट्रेंथ मिली, ये नज़म करके अंदरूनी तौर पे मैं बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुई मेरी, और इस वजह से भी मुझे, मैं उस कलाम को अच्छी तरह से कर पाई क्योंकि मैंने इसके एक एक लफ्ज को बहुत गौर से सोचा भी, और बहुत मैं इनसे मुतासिर भी. मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे अलामा इकबाल साहब हमें खुद मतलब एक सबक दे रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था कि कहीं पे उनकी स्पिरिट हमारे साथ है, तो ये इस तरह से कर पाए हम इसको. जी राइट, मैंने इंस्टा पे देखा भी था, आपने ही पोस्ट की भी थी, और मैं मेरे जहन में उसी वक्त ये ख्याल आया था कि मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी कि अल्लामा इकबाल का, उनकी शायरी का आपकी ज़िंदगी में शुरू से रोल है या फिर इस कलाम के बाद आपका ज़्यादा, क्योंकि इस दफ़ा आपने अपनी इंस्टा पे बहुत सारी पोस्ट की थी अल्लामा इकबाल डे पे, और वो सारी मैंने शेयर जी की थी अपने पास, क्योंकि अब जैसे जैसे आप एक मेच्योर एज पे आते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी चाहिए, उसमें क्या हमारे कुछ मकासद होने चाहिए, तो वो अल्लामा इकबाल से एक जी आपका रूहानी ताल्लुक बन जाता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि आपने इस दफ़ा माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे तरीके से उस डे को प्रोमिनेंट किया। अब जो हमारी यंग जनरेशन है वो इस तरह के दिनों को मनाने की इतनी आदी नहीं रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। थैंक यू सो मच. मुझे भी मेरा हमेशा अलामा इकबाल से हम सबका वास्ता तो रहता ही है क्योंकि ऑब्वियसली वो हमारे कौमी शायर हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने ज्यादातर जो हमारी बड़ी हस्तियां हैं उनको हम
बहुत करीब से नहीं जानते और उनके काम को करीब से नहीं जानते. तो एंड आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है, लेकिन ऐसा है. और जब मैं बाहर गई थी अमेरिका कॉलेज में पढ़ने, तो वहां पे मुझे अंदाजा हुआ कि उनकी उर्दू शायरी तो एक तरफ, लेकिन उनका ज्यादातर कलाम तो फारसी में है. और ना सिर्फ कि वो फारसी में है, लेकिन उनका फारसी का कलाम मतलब एक लिटरेरी तौर पे बहुत बहुत बड़े बड़े कलाम के साथ, मतलब रूमी और हाफिज के साथ साथ अलामा इकबाल का कलाम फारसी में पढ़ा जाता है. और उनका नाम हालांकि वो थे सियालकोट से, लेकिन पूरी दुनिया में वो इकबाल लाहौरी से जाने जाते हैं, जो फारसी स्पीकिंग वर्ल्ड है. और सब लोग और मुझसे जब लोग कहते थे ओ अच्छा तुम लाहौर से हो, तुम्हें इकबाल लाहौरी का ये शेर याद है, फारसी में बोलते थे. और मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो फारसी में इतना उनका कलाम है, मतलब. और फिर तो उसके बाद मुझे मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे मुश्किल लगता था उनका जो कलाम, मुझे मुश्किल लगता था. लेकिन अभी आ जाके इस गाने के जरिए ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने एक नया एक दरवाजा खोला मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा भी लगा है और मेरे दिल को बहुत भाया है. और बिल्कुल मैं इसको आगे लेके जाना चाहूंगी, मैं अपने कौमी शायर को बेहतर समझना चाहूंगी इसके बाद, क्योंकि मेरे ख्याल में इसमें हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत कुछ पड़ा हुआ है. बिल्कुल एग्जैक्टली. और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी जैसे आप कुछ सीखें, कुछ समझें, तो उसको उसी तरह से शेयर कर दिया करें अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, ताकि आपके साथ साथ हम लोगों को भी थोड़ा सा ना, मतलब एक होता है जो जिन लोगों को हम बहुत पसंद करते हैं, उनकी हर चीज़ को जो वो फॉलो कर रहे होते हैं, जो वो काम कर रहे होते हैं, तो उनके फॉलोअर्स भी वही करते हैं. तो अच्छा रहेगा कि अगर आप उसको साथ साथ हमसे शेयर भी करती रहें. जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मुजीब. अच्छा, मेरे पास अभी फारसी की बात हो रही थी, तो फारसी के ही हवाले से असमत आफरीदी का आपके लिए एक सवाल था. इन्होंने आपको कहा है अस्सलाम वालेकुम ज़ेब बंगश, आपको बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने हमें दोबारा ज्वाइन किया. और इन्होंने कहा है कि मैम आप फारसी जबान में बहुत अच्छे गाने गाती हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि फारसी जबान पर आपको क्या मुकम्मल उबूर है, या फिर जो लिखा हुआ होता है उसको समझ के गाती हैं? और एक और सवाल के फेम मेल और फीमेल जो सिंगर्स हैं हमारे, तो उनमें से किसके गाने आप ज्यादा सुनती हैं या उनके साथ काम करना चाहती हैं आजकल के जो हैं? जी फारसी जबान पे मुझे मुकम्मल अबूर बिल्कुल भी नहीं है. और बस ये है कि मेरी नानी फारसी बोलती भी थी, उसमें लिखती भी थी, और बहुत फारसी गाने सुनते थे हम अपनी जी बचपन में. तो उस वजह से मैं फारसी गाने गा सकती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा उसको लिख के, पढ़ के, उसको समझ के, और कभी कभार तो काफी ज्यादा मदद लेती हूँ मैं जो होते हैं फारसी बान लोगों से, कि मैं उसका तलफ्फुज ठीक करूँ. तो इतना आसान नहीं होता मेरे लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको. और जहाँ तक नए सिंगर्स का है, तो एक्चुअली सब लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं आजकल कि मुझे, मैं अभी जब आई भी हूँ यहाँ पे, तो ये चीज मैं देख के बड़ी खुश हुई कि हमारी हमारे जो लोग हैं वो हर किस्म की मजबूरी में भी अपना काम जारी रखते हैं. और ये है कि एक मैं सनम मारवी को मैं बहुत ज्यादा उनको फॉलो भी करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है. एंड एज अ पर्सन शी इज लवली ऑल्सो. आई लव टू डू अ सॉन्ग विद सनम मारवी इफ शी इज एवर अप फॉर इट. और फिर anyone, जी anyone, and मैं तो I would be open to work with anybody. मुझे तो सभी अच्छे हैं और सभी बहुत प्यारा गा रहे हैं आजकल. जी वाओ, ग्रेट. अच्छा, ये जो आपने कलाम पढ़ा है, इस पे एक मैसेज मेरे पास आपके लिए आया है, वॉइस मैसेज है, तो ये मैं आपको सुनवाना चाहूंगी. जी को मैम शाहिदा खान और आप सुन रहे हैं 107 पर. मैं विश खान के साथ मुझे और आज की जो मेहमान हैं ज़ेब बंगश, उन्हें मैं बहुत वेलकम कहती हूँ रेडियो पर. इन्होंने जो नज़म पढ़ी है माही और शाहीन, ये बहुत ही अलामा इकबाल की ज़बरदस्त शायरी है और ये फ़ारसी में है. और इसके इसका मतलब ये है कि उन्होंने नेशन को ये पैगाम दिया है कि आप मतलब बाहर निकल के देखें, ऊंची परवाज़ करके देखें. और यहाँ पर उन्होंने एयरफोर्स के अमले को आई थिंक उन्हें उनकी उनसे रिलेटेड ये पैगाम दिया है. और उनकी हर
पोएम में कोई ना कोई पैगाम होता है, ना सिर्फ बच्चों के लिए, औरतों के लिए, इस्लाम के लिए, सियासत के लिए, तमाम तर चीज़ें जो हैं उनकी कोई ना कोई मैसेजेस होते हैं। तो ज़ेब बंगश ने इसके साथ बहुत ही इंसाफ किया है और बहुत ही खूबसूरती से इसको गाया और निभाया है, और जिसने भी इसको बनाया है इस पोएम को दोबारा, तो उनका ख्याल भी बहुत अच्छा है क्योंकि उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको अदा किया है, दोनों उर्दू में और फारसी को मिक्स किया है। तो मैं ज़ेब बंगश को बहुत थैंक कहना चाहती हूँ कि आपने ज्वाइन किया कतर रेडियो को, और महविश खान को भी कि उन्होंने कतर रेडियो पर इन्हें दोबारा बुलाया और अल्लामा इकबाल की शायरी हमें सुनने का मौका मिला दोबारा से। थैंक यू सो मच जी ज़ेब। थैंक यू सो मच, थैंक यू आपके अल्फाजों का, आपके प्यार का, इट मीन सो मच टू मी, थैंक यू सो मच जी फॉर एक्सेप्टिंग इट। एंड बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर एक अल्लामा इकबाल की हर एक चीज जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई कोई मतलब खजाने से भरपूर है ये कलाम, तो कुछ ना कुछ आपको मिलता ही रहता है। तो ये बहुत ही प्यारी बात उन्होंने की है, और बिल्कुल ऐसे ही था, मुझे भी ऐसे नहीं लग रहा था जैसे मैं कुछ गा रही हूँ, मुझे ऐसे लग रहा था मुझे कुछ मिल रहा है इस प्रोजेक्ट के जरिए। जी, जी बिल्कुल। अच्छा, तो कंपोज इसको आपने भी किया है आपके? जी हाँ, मैंने और सरमद गफूर ने जो इसके प्रोड्यूसर भी हैं, तो सरमद गफूर उस वक्त यहाँ थे, मैं अमेरिका में थी, तो हमारी थोड़ी व्हाट्सएप पे बात हुई। फिर जब मैं पाकिस्तान पहुंची, जैसे ही पहुंची अपना वो सारा टेस्ट वगैरह करके जब मैं उनके पास गई, तो उनके पास बड़ी खूबसूरत सी रिफ थी जो ज्यादा क्लासिकल सी थी, तो उस पर फिर हम लोगों ने धुन बनाई और अल्फाज को बिठाया, और फिर क्योंकि दो मुख्तलिफ आवाजें थी उसमें, एक मछली थी, पहले पहले मछली अपना जो है बयान करती, अपनी दुनिया को बयान करती, और फिर उसके बाद शाहीन का मोनोलॉग आता है। तो हम लोगों ने फिर ऐसे किया कि इसको हम लोगों ने मतलब डिलिब्रेटली उसको दो अलग अंदाजों से, दो स्टाइल्स में ढाल दिया, और आवाज को भी मैंने फिर अपने अपनी तब्दील किया। अच्छा, शाहीन के लिए थोड़ा मैंने उसको ज्यादा भारी किया, और मछली के जो वो था वो कुछ और था, माही का, माही के लिए आवाज जरा सॉफ्ट थी। हाँ, सही सही। अच्छा ज़ेब, तो हम ये सुनना चाहेंगे, इससे पहले कि हम दूसरी तरफ बढ़े, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप हमें लाइव अगर ये सुना दे। अच्छा जी, जस्ट वन सेकेंड, मैं अपना वो खोल लूंगी। बिल्कुल जी, आई एम जस्ट जस्ट वन सेकेंड। ओके जी, बचाई गोश सिलसिलाए मौज के बीनी हम दरिया तवान रफ्त सैले हम गिरीश बोला सर मस्त तरे फस्त हम जास हर लहजा जवानस्त रवानस्त ओ दवानस्त अज गर्दिश अय्याम नज़्म शुदने खास्त। वाह वाह, जबरदस्त माही जी।
जबरदस्त जबरदस्त, ग्रेट, इतना काफी है क्योंकि अभी हमारे पास और भी गाने हैं, अभी हम वो भी सुनेंगे आपसे। बहुत जबरदस्त कलाम, बहुत जबरदस्त आपकी आवाज, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ मैं आती हूँ, जो वो उसने भी मुझे बड़ा अपील किया, एक और है वो मेरा अपना पर्सनल बड़ा फेवरेट है, और उसके बारे में थोड़ी सी लेकिन बाद में बात करेंगे। अभी वो उम्मीद की मंजिल के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। इसको मैंने जब देखा तो इसकी वीडियो में भी थीम है रेट्रो स्टाइल, थोड़ा सा पास्ट में हमें ये ले जाता है, और इसी तरह आपने अपनी आवाज को भी बिल्कुल वैसे ही रखा है जैसे 70s में 60s में गाने गाए जाते थे। जी, एक्चुअली ये उम्मीद की मंजिल जो है ये बहुत ही स्पेशल गाना है मेरे लिए, क्योंकि ये हमारे बहुत बड़े जो थे कंपोजर पाकिस्तानी फिल्मों के, ख्वाजा खुर्शीद अनवर, उनके पोते की का डेब्यू है ये। सही। तो उन्होंने अपने दादा जान को एक एक ट्रिब्यूट के तौर पे ये गाना लिखा था, और उन्होंने बिल्कुल पुराने अंदाज में रखा, और इसकी रिकॉर्डिंग भी वैसे हुई, तो इस वजह से इसमें वो पुराना अंग नजर आता है। सही। तो वो पुराने साज भी इसमें इस्तेमाल किए गए जो जमाने में होते थे। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बांसुरी, सारंगी, और जो था बड़ा बड़ा सा ऑर्केस्ट्रा, और वो बीच बीच में ज़ाइलोफोन के थोड़े थोड़े बिट्स, तो उन्होंने बिल्कुल सारी अरेंजमेंट भी उसी तरह से की हुई है जी। बिल्कुल। तो ये अभी जैसे आप अभी आपने अल्लामा इकबाल के कलाम गाया, हर गाना एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अभी आपके चार प्रोजेक्ट्स आए, तो इसमें वो वाला स्टाइल एक अलग तरह का हुआ करता था उस वक्त गाना, तो उसके लिए कुछ रिहर्सल्स, किसी को सुना, कोई इंस्पिरेशन रही इस प्रोजेक्ट के लिए? जी, जबरदस्त जबरदस्त सा ट्रैक आप ये सुन रहे हैं, और जेब हमारे साथ एक दफा फिर। जी जेब, वेलकम बैक। जी थैंक यू। नहीं मैं आप मैं सिर्फ ये कहती थी वो ये ख्वाजा खुर्शीद अनवर के जो गाने हैं जो मैडम ने गाए थे, तो उन गानों को मैंने अपने सामने रखा और काफी 3-4 महीने तक मैं उन्हें सुनती रही। बाकी ये है कि क्योंकि मैं क्लासिकल सीख रही हूँ और उस्ताद है मेरे पास, तो वो सब आवाज वगैरह तो इतना नहीं तब्दील हो सकती, ऑब्वियसली वो तो अल्लाह ताला ने सबको अपनी मखसूस आवाज दी होती है, लेकिन ये कि जो छोटा छोटा स्टाइल की चीजें होती हैं, एक्सप्रेशन की चीजें होती हैं, तो वो मैंने बहुत गौर से उनके ये कुछ गाने सुने और बड़ी प्रैक्टिस की उनको मद्देनजर रखते हुए रिकॉर्डिंग से पहले, तो इस वजह से वो पुराना अंग आपको ज्यादा नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। और मैंने यही चीज बहुत ज्यादा नोटिस की थी कि ये आजकल क्योंकि वो बिल्कुल गानों का स्टाइल नहीं है, तो वो बिल्कुल एकदम से इतने पुराने मतलब समझे जमाने में जाके उसी की थीम को लेके आपने बहुत इंसाफ के साथ उसको भी गाया, वो भी हम आपसे सुनेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ सवालों की तरफ मैं आ जाती हूँ लिसनर्स के जो हमारे पास हैं। अहमद सिद्दीकी का मैसेज है आपके लिए, इन्होंने पूछा है आपसे कि एक सिंगर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, सिर्फ अच्छी आवाज का होना लाजमी है, कॉन्फिडेंस का होना जरूरी है, या फिर बैक सपोर्ट जरूर होनी चाहिए? जी, सिंगर के लिए सबसे जरूरी चीज रियाज है मेरे नजदीक के, और ये है कि आपको जिस तरह के इकबाल के शाहीन है कि आपको अपनी परवाज पे ही वो तवज्जो देनी होती है, तो क्या होता है कि हम लोग ज्यादातर स्पेशली आजकल हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है कि कहीं तरह से हम फेमस हो जाएं, किसी तरह से हम बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, फैन ज़्यादा हो जाएं, वगैरह वगैरह। वो सब ये है कि वो तो किस्मत की बात होती है, और जब इंसान की किस्मत होती है तो अल्लाह मियाँ खुद ही उनको नवाजते हैं, हम सब नवाजते हैं, ये हमारा ईमान है। लेकिन यह है कि काम के साथ अगर दयानतदारी के साथ अपने काम को देखना है तो उसके साथ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस और काम पे ही तवज्जो देना जी, ये सिंगर के लिए मेरे हिसाब से सबसे जरूरी चीज। सही सही। अच्छा, ये एक थोड़ी कोशिश की है रिशान खान ने आपके लिए, जब आप पहली दफ़ा आई थी और उसके बाद फिर दोबारा का इसरार था, तो उस दौरान के लिए इन्होंने एक लिखी नज़म आपके लिए, कैसे भूल जाएं पहली महफिल को हम जेब, इस महफिल का हर सुनने वाला आपको करता है याद जेब, आवाज़ आपकी यूं है जेब बंगश, अंदाज बहुत से लोगों के हैं पर ये आवाज़ नहीं है, और खोए रहे हम आपके आवाज़ के इस महफिल में, आपकी आवाज़ का जादू रहा हमेशा, और जाने क्यों आपकी आवाज़ सुनने के लिए इस महफिल में हम चुप होकर सुनना चाहते हैं आपको जेब बंगश। कुछ इन्होंने अपने तौर पे कोशिश की आपके लिए, आपकी मोहब्बत में।
बहुत ही, मुझे तो बहुत ही, आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ कह नहीं पा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत ही शुक्रिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो नहीं, आप थैंक बहुत यू बहुत माशाल्लाह से ज़बरदस्त सिंगर भी हैं, और आपकी सबसे अच्छी जो बात है ना, वो आपके अखलाक है, जो बहुत अच्छा लगता है सब लोगों को। अच्छा, एक क्वेश्चन आपके लिए अर्जुन रॉय का है। इन्होंने आपसे पूछा है कि ज़ेब मैम, आप एक फैबुलस सिंगर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मैम आपके, आप सॉन्ग लिखती भी हैं कभी क्या? मुझे मालूम हुआ है कि आप सॉन्ग अपने लिखती भी हैं, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ज़ेब मैम, अगर कोई आदमी सॉन्ग अपना लिखना चाहता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सॉन्ग स्टॉप करना है या फिर सॉन्ग और बढ़ सकता है? ये वाली जो मतलब एक होती है ना सेंस, ये कैसे डेवलप होता है? जी। मतलब सॉन्ग राइटिंग भी एक एक अलग एक अलग फील्ड है। तो जैसे सिंगर एक फील है, सॉन्ग राइटिंग अलग फील है। तो मैंने थोड़ा बहुत किया हुआ है, लेकिन मैं अपने आप को सॉन्ग राइटर ऐसा समझती नहीं हूँ। लेकिन मैंने काफ़ी अरसे से ये मैं करती आ रही हूँ, ज़ेब और हनिया के टाइम से। आई थिंक कि आपको सबसे बड़ी चीज़ तो होती है कि खुद इंसान को पता चल जाता है। अगर आपको जब तक मज़ा आ रहा है, तो आप बेशक उसको कर लीजिए, उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं। फिर अगली चीज़ होती है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनसे भी, उनको भी आप सुना के उनसे भी आपको फीडबैक मिल सकता है। लेकिन ऐसे लोगों जिनको आप एक्चुअली ट्रस्ट करें, म्यूजिकली भी एंड अदरवाइज भी। और फिर ऑफ कोर्स अगर आपको फॉर्मली सॉन्ग राइटिंग सीखनी है, तो बहुत सी इंटरनेट पे भी आपको रिसोर्सेज मिल सकती हैं, जिसमें वो आपको इस इल्म के बारे में और चीज़ें सही तरह से बता सकते हैं। और एंड थैंक यू फॉर हिज स्वीट कॉमेंट, थैंक यू। राइट। अच्छा, फिरोज खान चकवा ने कहा हुआ है कि मोस्ट वेलकम ज़ेब बंगर जी, आपको बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। और इरशादुल्ला यूसुफ जई ने भी आपको वेलकम किया हुआ है पहले, और फिर सवाल आपसे पूछा थैंक है यू, कि शुक्रिया। स्पेशली पाकिस्तानी मुशायरे में, ये मुझे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम इस पे आते हैं। अच्छा, जब तक ज़ेब, मैं चाहूँगी कि ये वाला जो ट्रैक अभी, वो उम्मीद की मंजिल अगर, ये भी हमें आप थोड़ा सा गा के सुना दें। जी मैं सुनाती कोशिश करती हूँ। जी अब ना दिल के गुलशन में सुबह मुस्कुराएगी, एक रात जाएगी, एक रात आएगी, प्यार करने वालों का दस्तूर ये पुराना है, चुपके चुपके यादों में जिंदगी गुजारी है, वो उम्मीद की मंजिल अब कहाँ निगाहों में, दूर तक अंधेरा है जिंदगी की राहों में, एक तू सहारा था शबे गम की आहों में। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत कमाल, जबरदस्त, बहुत अच्छा गाया थैंक आपने, यू जी, बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया। जी। सवाल भी मैं आगे आपसे करती हूँ, अब्दुल सईद, मेरा ख्याल है इनका ताल्लुक कोहाट से है, और जो लोग आपको फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, उनको पता होता है कि अभी आप एबटाबाद में हैं, अभी आप कहाँ जा रही हैं। तो मेरे हिसाब से इन्होंने इसीलिए सवाल भी किया है, जो आखिरी इनका क्वेश्चन है ना। पहले तो इन्होंने पूछा आपसे कि सबसे पहले खुश आमदेद, और म्यूज़िक की दुनिया में आने थैंक का यू। बचपन से आपको शौक था, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि सबब बन गया म्यूज़िक में आने का? और लास्ट इनका क्वेश्चन है, कितने अरसे से कोहाट के अमरूद नहीं खाए, जो कि बहुत मशहूर हैं। जी तो पहला क्वेश्चन, पहला आंसर ये है कि कभी, मतलब ये सबब ही बना था, क्योंकि हम मेरी फैमिली में कोई भी प्रोफेशनल सिंगर्स ऐसे नहीं है। म्यूजिक को चाहने वाले बहुत हैं, बहुत क्रिएटिव लोग हैं, लेकिन सबके पेशे अलग हैं।
तो ये बिल्कुल अल्लाह मियाँ की तरफ से वह सबब बन गया और हम चलते गए इसके साथ साथ। और जो जहाँ तक अमरूद की बात है, वो मैं आज सुबह खा के आई हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे कजन आए थे कल कोहाट से, तो वो कोहाट का बहुत जबरदस्त गुड़ का बना हुआ पतीसा भी लाए हैं, वाओ जिसके ऊपर तिल और जिसमें मूंगफली होती है और तिल, जबरदस्त, और तो दोनों चीजें मैं खा के आई हूँ। ग्रेट, क्या बात है। राइट जी अच्छा, अभी हमारा जो गाना चल रहा था जिसको हम कह रहे थे वो उम्मीद की मंजिल, थोड़ा सा माजी के हवाले से था। तो एक सवाल मेरे पास साजिद नूर का आया, वह उन्होंने कहा है कि अपने माजी से आपने क्या सबक हासिल किया, अब तक की जो जिंदगी गुजरी है उसको किस तरह से देखती हैं? अपनी अपने माजी से यानी मैंने सबसे बड़ी चीज ये कि कभी भी मायूसी को नहीं अपने ऊपर तारी करना चाहिए, और दूसरों की तरफ दूसरों की जिंदगी, उनकी ऊंच नीच की तरफ नहीं देखना चाहिए और अपनी तरफ देखना चाहिए, और अपने अपने साथ और अपनी ईमान के साथ आपका एक रब्त जो है ना, वो बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। फिर कोई चीज आपको ना तंग करती है ना आपको अपने रास्ते से हटाती है, क्योंकि हर एक का अपना एक अपनी एक जर्नी, अल्लाह मियाँ ने हर एक के लिए अपना एक रास्ता बनाया है, तो उस पे खुशी से चलना चाहिए, क्योंकि जब आप खुशी से और शुक्रगुजारी से वो रास्ता उस रास्ते पे चलेंगे, तो साथ में आप बहुत से लोगों को बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि मायूसी में अजीब बात ये होती है कि फिर आप किसी और को कुछ नहीं दे पाते हैं, तो ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मेरा लेसन रहा है कि, और मैं कोशिश भी करती हूँ कि अपने आप को किसी भी किस्म की मनफी सोच से या उससे दूर रखूं। हालांकि हम इंसान हैं तो कभी कभी होता भी है ऐसे, लेकिन कोशिश कोशिश करती हूँ मैं। जी। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, साजिद बलोच ने आपसे सवाल किया हुआ है, आपको मैम बहुत सारे जबानें आती हैं, बलोची भी बोलना आती है थोड़ी थोड़ी, और उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि बलोची भी आपको आती है बोलना। बोलना तो नहीं आती, लेकिन मैं गाने गा लेती हूँ और थोड़ी बहुत समझ लेती हूँ। अच्छा, जी इन्होंने भी लिरिक्स के हवाले से, मुझे लग रहा है कि हमारे लिसनर्स को बहुत शौक है सॉन्ग राइटिंग का, तो इन्होंने भी पूछा हुआ है कि मैं सॉन्ग माशाल्लाह। के लिरिक्स कुछ बनाता हूँ, अल्फाज चुनता हूँ, तो आप कुछ एडवाइस देंगी कि किस तरह से इस फन को सीखा जाए? जी ये फन मैं तो ऐसा जानती नहीं हूँ ये फन इतना ज्यादा, लेकिन यह है कि जो जिन अल्फाज को, मतलब जो अल्फाज मेरे उसमें पुरअसर होते हैं, उनमें सच्चाई होती है, तो मेरे ख्याल में बस यही है कि जो आपकी दिल की आवाज है उसी को आपने आगे बढ़ाना है। इतना भी मतलब ज्यादा भी इस चीज के बारे में ना सोचें, जो जो अल्फाज आराम से आ रहे हैं। अब जैसे मैं उस दिन जिगर मुरादाबादी को पढ़ रही थी, तो इतने आसान अल्फाज यूज करते थे, इतनी छोटी बहन की उनकी गजलें होती थी, बट पुर असर होती थी। और फिर आप अगर अलामा इकबाल जैसे शोरा को देखें, तो उनकी मतलब इतनी क्लासिकल उनकी जबान और इतनी क्लासिकल उनका अंदाज, और उसमें अलग एक चीज है। तो हर एक बंदे का मेरे ख्याल में अलग स्टाइल होता है, तो यह है कि अपना स्टाइल अगर इंसान समझ ले तो उसमें खुद ही चीजें आ जाती हैं आगे। और फिर दूसरी बात ये, आप किसी शायर से पूछ लीजिए, मैं तो नहीं समझती हूँ ये चीजें इतनी अच्छी तरह। सही सही। अच्छा, इन्होंने कहा हुआ जी है कि एक और जो बात इन्होंने आखिर में लिखी है, कहा है कि अभी आपने अल्लामा इकबाल का जो कलाम पढ़ा है बहुत ही प्यारा है, हम आगे भी आपसे एक्सपेक्ट जजाक करते हैं कि आप न्यू अल्लाह, कलाम पढ़ें अल्लामा इकबाल का। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इतनी मेरी हौसला अफजाई की है, और मैं जरूर कोशिश करूंगी कि इसको यहाँ पे बस खत्म ना करूं, बल्कि एक एक नया चैप्टर खुले मेरी जिंदगी में, और मैं अलामा इकबाल का और भी कलाम आप लोगों के सामने पेश करूं। इंशाल्लाह, बिल्कुल ज़रूर, हम एक्सपेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं वो जो बात कर रही थी, मेरा फेवरेट जो वाइटल साइंस का आपने दोबारा रीमेक किया है हारून शाहिद के साथ,
तो बहुत जी जी कमाल का। और इसकी वजह से ना मुझे ये गाना, क्योंकि इनके रियर सॉन्ग्स में से है वाइटल साइंस के, और ये हमने जी सुना हुआ है लेकिन एक मेमोरी में था, तो जब मैंने दोबारा सुना आप दोनों का तो मुझे एकदम से एक मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ भी था, और बहुत अच्छा लगा कि आपने इस गाने को दोबारा गाया। थैंक यू सो मच। बट इस गाने का सारा जो क्रेडिट है मैं हारून शाहिद को ही दूंगी, क्योंकि वो मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी में तो मैंने जुनेद जमशेद के बड़े कोई इससे बड़े फैन नहीं देखे हाँ और उनसे मैं मिली नहीं। बल्कि एक दिन हम लोग वो वरना का गाना जब बना रहे थे संभल संभल, हाँ तो हालांकि मैं उन्हें काफी अरसे से जानती हूँ क्योंकि ये भी लाहौर में हम लोग काफी साथ हम लोग उठे बैठे हैं और इनको शुरू से मैं जानती हूँ। तो लेकिन वो जब हम पहली दफा काम किया शुएब मंसूर साहब की फिल्म के लिए, तो तब ये मेरे से हर हर बार कोई ना कोई जुनेद जमशेद का, मैं कहती थी ये बड़ा अच्छा गाना है, तो कहते थे मैं आपसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ कि आपको ये गाने, आपको एक दिन बैठ के सारे गाने सीखने हैं। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा तो उन्होंने मुझे मतलब जबरदस्ती सुनाए सिखाए और फिर इतना मजा आया कि हमने कहा चलो हम इसका एक मैशअप भी कर लेते हैं जब भी लॉकडाउन में ईद के लिए। तो इस सारे उसका क्रेडिट उनको ही जाता है। और आप सही कह रहे हैं कि कुछ जो अनसुने गाने हैं वो ज्यादा खूबसूरत हैं, समटाइम्स वो बड़े खूबसूरत गाने उन्होंने लिखे हैं। और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जबरदस्ती की मेरे साथ, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे गाने मैंने मुझे सुनने को मिले। जी हाँ बहुत खूबसूरत गाना, और इस गाने के अंदर एक खुशी का एहसास है ना, जो जुनेद जमशेद का भी जी सुने और आपका भी, तो उसमें खुशी मतलब है कुछ जो एकदम आपको खुश होने पे मजबूर करती है चीज़, ऐसी फीलिंग्स है इस गाने में, जी है बिल्कुल ना। जी जी अच्छा बिल्कुल ये वाला बिल्कुल, एक गाना, नॉस्टैल्जिया है। हाँ ये वाला गाना आपने जैसे जिक्र किया कि लॉकडाउन में, तो मेरा ख्याल है हारून शायद पाकिस्तान में थे और आप अमेरिका में थी। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ हम लोगों ने ये लॉकडाउन के, बिकॉज हम लोग बात कर रहे थे कुछ काम साथ करने के लिए, वो हो नहीं पा रहा था लॉकडाउन की वजह से, तो हम लोगों ने फिर कहा कि चलो ईद आ रही है तो ये गाना कर लेते हैं, रिलीज कर वाह लेते हैं। जबरदस्त, तो ये जी इतना फासला दरमियान में हायल नहीं हुआ। नहीं जी, आई थिंक आजकल के टेक्नोलॉजी के जमाने में बिल्कुल कोई फासला नहीं होता। जैसे आप और हम कतर और लाहौर इस वक्त एक हैं, तो इसी तरह से नहीं होता। जब एक दफा आपकी म्यूजिकली किसी के साथ एक इक्वेशन बन जाती है, फिर आप काम कर सकते हैं रिमोटली। हाँ ये मुश्किल मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है अगर किसी म्यूजिशियन के साथ मैंने कभी भी काम ना किया और एकदम से उनके साथ सिर्फ बगैर मिले उनके साथ काम करूं, तो वो मेरे से कभी मुझे उसमें मुश्किल पेश आती है। लेकिन अगर किसी को मिला हो, उनकी तबीयत से मैं आगा हूँ और हमारी आपस में बनती हो, तो मैं कर सकती हूँ बिल्कुल। वाह जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा उस सवाल की तरफ मैं निशान की आ जाती हूँ, लेकिन ये वाला जो गाना है ना जो वाइटल साइंस का है, ये मुझे जेब आप मुझसे वादा करें पूरा सुनाएंगी, ये पूरा सुनना है। थोड़ा सा है लेकिन मैं पूरा अच्छा सुनना चाहूंगी आपसे, लेकिन पहले हम सवाल कर लेते हैं, जब तक आप साथ साथ तैयार भी कर लीजिएगा खुद को। रिशान खान का ही सवाल है आपके लिए कि आपके लिए सबसे मुश्किल न्यू सॉन्ग गाना और अंदाज बनाना आसान है, या फिर किसी का गाया हुआ सॉन्ग गाना, मतलब जैसे अभी आपने वाइटल सेंस का रीमेक किया है, ये ज्यादा मुश्किल होता है, या फिर एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट हो, नया सारा आइडिया हो, तो उसको बनाना आपको ज्यादा मुश्किल लगता है? जी आई थिंक दोनों चीज आसान है, मुश्किल भी है। क्योंकि कवर सॉन्ग्स में ये होता है कि लोगों ने गाने सुने होते हैं, तो ये है कि ज्यादातर लोग उसमें लोगों ने क्यों लोगों के ने ऑलरेडी वो गाना एक्सेप्ट किया होता है, तो आपको वो मतलब आपका वर्जन वो सुनने में इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन ये होता है कि अगर लेकिन ये भी होता है कि वो अगर लोगों के जहन में या दिलों पे बहुत गहराई से छाई हुई कोई कोई चीज हो, तो फिर आपको बहुत सी उसका भी सामना करना पड़ता है क्रिटिसिज्म का, क्योंकि वो आपको हमेशा कह रहे होते हैं कि अच्छा है लेकिन ऐसा तो नहीं है, या ये आपने गलत कर दिया, तो आप वो कबूल नहीं करते इतनी जल्दी। और ओरिजिनल में ये होता है कि आप अपने तरीके से काम अपना तो करते हैं, लेकिन फिर आपको पता नहीं होता उसका कि उस ट्यून में क्या है क्या नहीं है।
आप बस अपने उससे कर, तो दोनों चीजें मुश्किल भी है आसान भी है, गाने पे डिपेंड करता है जी। बिल्कुल सही बात है। वैसे भी मतलब आपने ये गाना गाया रीमेक किया इसको, तो लोगों ने बहुत सराहा, लेकिन आपको याद होगा कि कोका कोरीना जो गाया गया था, आहत ने गाया था उसको, तो उसमें लोगों ने बहुत वाकई बहुत जी पीछा ले लिया था, बहुत मुश्किल हो गई थी। तो ये बड़ा जी मुश्किल होता है कि उस चीज़ को वैसे ही रखा जाए जी कि लोग जितनी मोहब्बत करते हैं ना बहुत उस गाने मुश्किल से। होता है बिल्कुल सही बात है। तो जी ये जी वाला ऐसे गाना होता सुना है रही है? जी, कोशिश करती हूँ। दो आवाजों में है ये तो। हम तुम जिए जा रहे हैं, जीवन संभल ही रहा है, लेकिन दिन ब दिन एक जुनून जाने क्यों बेवजह बढ़े जा रहा है। तुम ही कहो क्या हुआ वो प्यार, कहो हमें क्यों नहीं करार, पास है नहीं है क्या, आस है नहीं है क्या, अजनबी रहेंगे क्या, अजनबी रहेंगे क्या, ओ मेरी रातों के पहल सपने, ओ मेरे दिल की पहली धड़कन, ओ मेरी रूह की पहली खुशबू, मेरे बदन की पहली हलचल, आओ तो रह जाओ मेरे पास, आओ तो मत जाओ, दिल दरवाजा खोले कब से खड़ा हूँ, आओ मेरे मेहमान आओ, घर में अंधेरा लिए कब से पड़ा हूँ, चांद सितारे लिए आओ, चांद सितारे लिए आओ, चांद सितारे लिए आओ, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त ये बंगश, कमाल। मतलब थैंक इसमें भी यू। वेरिएशन है, शुरू का स्लो, फिर उसके बाद में वो खुशी वाला पार्ट आता है एकदम से ना, तो जबरदस्त कमाल का गाया आपने, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो और मच, ये गाना थैंक यू मुझे, मतलब मैंने बॉस। दोबारा सुना ना, मैंने वही कहा कि एक मेमोरी आपके साथ होती है उस हर गाने की, तो मैं एकदम से बड़ा सरप्राइज हुआ मुझे कि वाह ये वाला गाना दोबारा बहुत अच्छा जबरदस्त गाया आपने। थैंक यू सो और मच, हारून शाहिद का भी बहुत थैंक अच्छा यू। है, उनसे भी आपकी बात हो तो बिल्कुल हमारी तरफ से उनको अप्रिशिएट कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह का मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर इसी तरह से फासले पे रहते हुए भी कुछ ना कुछ रीमेक करते रहें, रिमिक्स करते रहें। वाइटल साइंस के इतने कमाल के गाने हैं, इसी तरह से सज्जाद अली के इतने ज़बरदस्त सॉन्ग्स हैं जो पुराने हैं, तो वो अगर रीमेक बेशक हो तो बहुत अच्छा बेशक, रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। आप दुआओं में हमें याद रखें तो हम बिल्कुल करते बिल्कुल रहेंगे काम। बिल्कुल। अच्छा, मैं आ जाती हूँ लिसनर्स के सवालों की तरफ जल्दी से। और ये शेख नूर का है सवाल, इन्होंने कहा कि जेब बंगश जी आप बहुत खूबसूरत हैं, शायद आपको इसका खुद भी अंदाज़ा नहीं हो, माशाल्लाह आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। और ये इंडिया बैंगलोर से हैं, थैंक यू। और इन्होंने कहा कि लास्ट टाइम आप बता रहे थे तेलुगु में भी सिंगिंग आपने की हुई है, तो ये बहुत खूबसूरत लैंग्वेज है, आपकी खूबसूरती को मैच करती है ये लैंग्वेज। तो मेरा सवाल ये है कि अगर आपको साउथ इंडियन मूवीज में एज अ हीरोइन लेते हैं तो आप रोल कर पाएंगी क्या? बिल्कुल करूंगी, मैं बहुत शौक से देखती हूँ साउथ इंडियन सिनेमा भी, और मुझे बहुत पसंद है साउथ इंडिया जनरली भी, अच्छा, वाह, तो बैंगलोर, हाँ जी, क्योंकि मैं, हमारा जो सबसे पहला कॉन्सर्ट था वो चेन्नई में था, और फिर कोयम्बटूर और बैंगलोर, केरला, सो हम लोग यहाँ सब, हम ज्यादातर टूरिंग हमारी थी ही साउथ इंडिया में, और वहाँ पे लोग इतने मौसीकी के और आर्ट से इतने करीब हैं सबके सब, और तो बहुत ही अच्छे पुरजोक लोग हैं वहाँ पे,
और आई वुड लव टू, वहां पे मैं काम करना जरूर बहुत पसंद करूंगी अगर जबरदस्त, कभी ग्रेट. मौका मिला अच्छा, तो. मैं खुद भी पता नहीं क्यों जी मुझे भी एक वाइब्स आ रही थी आपकी पोज देखकर कि कुछ एक्टिंग का मुझे लग रहा है कि कुछ सीन ऑन है, कुछ होने वाला है क्या? अच्छा, एक्टिंग का नहीं जी, मैं करती थी एक्टिंग, आई गेस मिमिकिंग मैं करती थी जब मैं छोटी थी. तो बल्कि अम्मी अब्बू को पता चला कि मैं गाना गाती हूँ, अच्छा गाना गाती हूँ, कि मैं एक दिन मैंने मैडम नूरजहां को टीवी पे देखा था. वो उनका एक तरन्नुम पीटीवी पे आता था, एक प्रोग्राम जिसमें वो ऐसे साड़ी पहनती थी और ऐसे उनके बाल बने होते थे, तो बड़ी वो जबरदस्त लगती थी. तो मैं छोटी सी थी, मैंने उन्हें देखा, तो मैं जाके बिल्कुल अम्मी का दुपट्टा लेके ना मैंने साड़ी पहनी और वही गाना गाना शुरू कर दिया उस तरह उनके अंदाज में ना. तो तब तब मेरी नानी बैठी हुई थी, उन्होंने कहा ओ ये तो गाना पूरा गाना गा रही है, इसको इसको सिखाओ, और ये उसकी तो आवाज. वाओ, तो नूरजहां का गाना थोड़ा और बहुत उनके स्टाइल मिमिक्रिंग में. का शौक हाँ बिल्कुल, और मैं चाहूंगी कि जी आप उस एक्टिंग तरह. करें, क्योंकि मुझे लग रहा है, मतलब मैं पिछले कुछ अरसे से नोट कर रही हूँ ये, कि आप एक्टिंग भी कर सकती हैं, आप जरूर इस फील्ड में आए. अच्छा चलें, अगर कोई मौका मिला तो फिर आई लुक इनटू इट. थैंक यू मावीर फॉर इंशाल्लाह द इंशाल्लाह, एनकरेजमेंट. जी थैंक यू. अच्छा, इरफान अली राय ने आपसे सवाल किया है, सबसे पहले आपको खुश आमदीद, तो और आपकी आवाज़ में एक जादू है, बहुत मिठास है, अल्लाह आपको सलामत रखिए, उन्होंने दुआ दी आपको. थैंक यू, महबूब शेख बहुत कहते शुक्रिया, हैं, जजाक अल्लाह. जी महबूब शेख कहते हैं कि ज़बरदस्त जी बंगर जी, अपनी एक्टिविटी आप हमसे शेयर कर रही हैं और इतनी अच्छी तरीके से आप जानती हैं, प्रोग्राम में थोड़ा गुनगुनाते हैं एज अ सिंगर. हाँ वो तो आपने सुना ना, गुनगुनाया इन्होंने, तो वो सुनना चाह रहे हैं आपको ज़्यादा से जी ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये चीज़ लोगों ने बहुत पसंद की थी, आपने जो लाइव सॉन्ग्स, और लास्ट टाइम हमने ये रखा था कि हमने ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स थे, जो इलाकाई गाने थे, वो आपसे ज़्यादा सुने थे, तो लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था इसको. अच्छा, तो अब भी आप चाह रही हैं कि कोई इलाकाई हाँ, गाना एक गाऊं मेरे मैं? पास फरमाइश है पख्तून भाइयों के लिए, जी इन्होंने रिशान ने की हुई थी बेसिकली, कि अच्छा हम लोगों के लिए एक ज़रूर आप गाना अच्छा गाइएगा. वो मैं फिर मैं तो और सबके नाम देखना चाह रही हूँ कि जिनके भी आपके लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स, कुछ आपके लिए उन्होंने कहा हुआ है, तो मैं शामिल कर दूँ, उसके बाद फिर हम वो गाना भी सुनते हैं आपसे. इरशादुल्ला यूसुफ जई ठीक ने है. आपसे पूछा हुआ है कि उर्दू, बलोची, फारसी के अलावा कितनी ज़बानों में गाने गाए इरशादुल्ला यूसुफ जई? आप ये सोचें किस में नहीं गाए, माशाल्लाह से बहुत ज़बानों में गा चुकी हैं जेब, आप बताएं जेब. जी अब जी पंजाबी है, सराइकी है, बलोची है, तुर्की, फारसी, उर्दू, हरियाणवी, वाह, तो पता नहीं 8-9 ज़बानें होंगी जबरदस्त तकरीबन. जबरदस्त. जी अफरोज़ान चकवा ने भी आपको बहुत अप्रिशिएट किया है, और इन्होंने भी थैंक कहा है कि यू. बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपको, बहुत अच्छा. सारिम कतवाल ने भी आपको बहुत सारी दुआएं दी हैं. अच्छा, तो अब आ जाते हैं वो बहुत पख्तून शुक्रिया. भाइयों के लिए सॉन्ग जो है, और जो लास्ट आपका प्रोजेक्ट है उस पर भी मुझे बात करनी है, तो पहले हम वो गाना सुन लेते हैं आपसे, जो भी आपको जी ज़्यादा कौन अच्छा सा, लगता हो. मैं दिल रुबा नाराजी सुना हाँ दूँ? वो सुना दीजिए. जार शजमा दगाड़े हार शजमा, जार शजमा दगाड़े हार शजमा, गुला मखड़ा दबे गिला परवा मखड़ा दबल चा, जार शजमा गुलो गुल जार शजमा, गुला मखड़ा गिला भरवा मखड़ा दबल छा, नशे जुदा जमा तुम्हें जवंदुन तुम्हें सा खलको वोरे यार मिला रु बेवफा, दिल रुबा नाराजी पखंदा नाराजी खलको वोरे यार मिला रु बेवफा, और अंबिया नाराजी पखंदा नाराजी और अंबिया नाराजी ओ दिल रुबा नाराजी, जानान में लाड़ू लाड़ू दबल चाशू, जानान में लाड़ू लाड़ू दबल चाशू, खोगी नगमे बोस रकीब तो और अमीना, खोगी नगमे बोस रकीब तो और अमीना, दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा दिल रुबा ओ दिल रुबा नाराजी पखंदा नाराजी खलको बोरे यार मिला रु बेवफा, और अंबिया नाराजी पखंदा नाराजी और अंबिया नाराजी ओ दिल रुबा नाराजी, और अंबिया नाराजी पखंदा नाराजी और अंबिया नाराजी ओ दिल रुबा नाराजी, और अंबिया नाराजी पखंदा नाराजी और अंबिया नाराजी ओ दिल रुबा नाराजी.
जबरदस्त, कमाल, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा, बहुत आला, जबरदस्ती. थैंक यू थैंक यू थैंक अच्छा, यू इतने थैंक यू. सारे माशाल्लाह से इतने कम टाइम में आपने सॉन्ग्स गाए हैं, अलग अलग जबानों में, अलग अलग स्टाइल के. कोई ऐसा गाना है जो आपके रहता हो लबों पे, जिसको ज्यादातर फ्री टाइम कभी होता हो तो गुनगुनाती हो, कोई ऐसा गाना? जी, वो ज्यादातर क्लासिकल गाने होते हैं जो सुनाए हुए होते हैं या कुछ. तो अगर आप चाहती हैं तो वो मैं थोड़ा सा आपको हाँ बिल्कुल गुनगुना बिल्कुल सकती बिल्कुल, मैं चाहूंगी. हूँ. जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया के जगाए भोर भई पिया नजर ना जाग पड़ी के जगाए जाग पड़ी मैं तो पिया बस. वाह जबरदस्त, बहुत अच्छा, मैंने पहली दफा सुना है लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, जबरदस्त. अच्छा जेब, आपका कोई प्लान थैंक यू. है, जैसे आप ट्रेडिशनल क्लासिकल म्यूजिक की बहुत बड़ी फैन हैं भी और आप गाती भी रही हैं, गा रही हैं, तो कोई ऐसा प्लान इन फ्यूचर कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे दोबारा से एक रिवाइवल के लिए काम किया जाए, क्लासिकल म्यूजिक के लिए, ट्रेडिशनल म्यूजिक के लिए? जी, मतलब बिल्कुल प्लेटफॉर्म जरूरी है, लेकिन मैं कल ही ये बात कर रही थी एक्चुअली कुछ लोगों के साथ के प्लेटफॉर्म से ज्यादा आजकल, क्योंकि प्लेटफॉर्म से बहुत एक वो हो गया है. जरूरी ये है कि हम उन म्यूजिशियंस को पकड़ें, उन परफॉर्मेंस को पकड़ें, उन उस्तादों को पकड़ें जिनको ये इल्म आता है, और उनको हम एम्पावर करें. प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये आ रही है कि प्लेटफॉर्म तो बहुत चल रहे हैं लेकिन उनपे वही लोग बार बार आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी बाकी प्लेटफॉर्म्स में हैं. तो मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे जैसे, मतलब पूरे जो बड़े सगीर में जो मुख्तलिफ किस्म की मौसीकी है वो बहुत कदीम मौसीकी है. हर एक देश का अपना अपना एक अंदाज है, उसकी अपनी क्लासिकी मौसीकी है. मतलब सिंध के अपने राग हैं, बलूचिस्तान का अपना अंदाज है, केपी का अपना है, पंजाब में अपनी गायकी है. तो ये सारी चीजें जो हैं ये हम इन सबको हम लोग पॉप म्यूजिक में नहीं डाल सकते. वो भी अच्छी बात है, वो भी बहुत खूबसूरत बात है और यंग लोगों को भी आगे आना चाहिए. लेकिन सिर्फ यंग लोग अगर आगे आएंगे तो हमारे पीछे से कोई ढारस नहीं होगी और कोई फाउंडेशन नहीं होगी. तो अब मैं अब इस चीज के इंतजार में हूँ कि कब हमारे उस्तादों के लिए कुछ किया जाएगा, कब उन्हें थोड़ा सा, मुझे नहीं पता कि ये कैसे होगा, लेकिन मैं परेशान हूँ इस चीज के बारे में काफी ज्यादा. और क्योंकि म्यूजिक परफॉर्मेंस से बनता है, प्लेटफॉर्म से नहीं. तो और हम लोग मतलब और हम लोग जब देखते भी हैं या हेल्प भी मदद भी करते हैं तो मदद की जो जो तरीका कार होता है वो ऐसे होता है कि जैसे आप किसी को खैरात दे रहे हो कि ओ इनका इनको हॉस्पिटल के लिए पैसे देते हैं, या ये कोई तरीका तो नहीं है. मतलब आपको उन्हें सेल्फ सफिशिएंट करना है. जो इल्म उनके पास है वो हमारा हमारा कौमी असासा है, उसको प्रिजर्व करना है. तो उनको प्रिजर्व करके हम इनको प्रिजर्व करते, हम उस इल्म को प्रिजर्व करते हैं अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी. तो ये सॉरी आपने मेरी दुखती रख नहीं दी नहीं है नहीं नहीं वो मैं कर बेसिकली सोच दिया, रही थी, क्योंकि आपका एक लेकिन बड़ी ये अटैचमेंट है इस चीज़ के साथ ना, मैंने हमेशा ये नोट किया है, तो मैं इसीलिए सोच रही थी कि जी. और आप मेरी अटैचमेंट
जी, आप कहिए सॉरी, आप कहिए। जी मैं ये कह रही हूँ, मेरी अटैचमेंट तो थी शुरू से, हम सभी ये गाने सुनते हैं। मेरे ख्याल में मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे इन लोगों के साथ उठना बैठना और मुझे थोड़ा बहुत वो इल्म सीखने का मौका मिला। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बरकत है, बहुत रहमत है मेरे ऊपर। तो और जब से मैंने ये सीखना शुरू किया है, मुझे जो कुछ मिला है इससे, तो मैं चाहती हूँ कि सबको मिले, एग्जैक्टली, बिल्कुल सबको सही कहा। मिले वो बहुत। और हमारी जो जिस तरह के ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं उसमें, और जिस तरह से आपको एक उस्ताद सिखाते हैं, अच्छे उस्ताद अगर आपको मिल गए, तो वो सिर्फ आपको गाना नहीं सिखाते, वो आपको इखलाक भी सिखाते हैं, वो आपको तहजीब भी सिखाते हैं, वो आपको एक 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 जहनियत के साथ आगाह करते हैं। तो ये सारी चीजें आगे जाके हमारे लिए बहुत फायदा मंद होती हैं। एग्जैक्टली, जी, बिल्कुल सही बात है। तो बस इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए सही मायनों में काम करना चाहिए। और उस काम का मतलब ये नहीं है कि उनके लिए उनको एक तनख्वाह दे रहे हैं, बल्कि उसके उस इल्म की कदर करनी चाहिए जिसको वो कई सदियों से उनके उनके खानदान वाले वो काम करते आ रहे हैं, और जो इतना इल्म का असासा उनके पास है उसको हमें उसकी कदर करनी चाहिए और उसको फरोग देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वैसे होता ही है ना कि हर चीज़ की अपनी रूट्स होती हैं, तो म्यूज़िक की भी जो रूट्स हैं वो वही है जो क्लासिकल म्यूज़िक, जहाँ से शुरुआत हुई थी, जो उस्तादों बेशक का फ़न था। तो बेशक हमें इसी वजह से, अब देखिए, हम लोग ये गिला भी करते हैं कि 90s में हमें बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक प्रोड्यूस होते हुए नज़र आया, चूँकि वो था पॉप म्यूज़िक, लेकिन उसकी जो इंस्पिरेशन थी, जो काम, जो कलाम वो सुन रहे थे, जो म्यूज़िक सुन रहे थे, वो था, क्लासिकल म्यूजिक था। तो उन्हीं से उन्होंने सीखा हुआ था और एक उन्होंने फ्यूजन क्रिएट किया था। अब बाद में बदकिस्मती ये होती जा जी, रही और है। वो क्लासिकल, जी 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 बिल्कुल, जी जी आप कहिए। उस वक्त ये था कि क्लासिकी म्यूजिक, गजल गायकी, ठुमरी, फोक, ये और पॉप सब अपनी अपनी जगह मकबूल थे, और सब सब चीजों, कोई चीज एक दूसरी चीज में कहीं कहीं ढलती थी, लेकिन सबका अभी ये कि सब कुछ पॉप में ढलता जा रहा है, खा वो आपकी देसी फोक म्यूजिक हो, क्लासिकी मौसीकी हो, वो तो किसी चीज में वो प्योरिटी हमें अभी मुयस्सर नहीं हो रही। ठीक है, एक एक तजुर्बे की, उससे एक ईजाद के हवाले से ये बड़ी खूबसूरत चीज है और मैं इसकी कदर करती हूँ, मैं खुद इसमें शामिल रही हूँ, लेकिन लेकिन यह है कि जो चीज की असल है वो भी तो रखी जाए। मतलब अगर आप ऑरेंज जूस और एप्पल जूस को मिला के पी रहे हैं, तो लेकिन आपको अलहदा अलहदा भी तो ऑरेंज और एप्पल मुयस्सर होना चाहिए ना, सिर्फ मिक्स तो आप नहीं पी सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने हमेशा नोट की, और आप बहुत हम्बल हैं, खुश अखलाक हैं, ये सब लोग जानते हैं, एक जो चीज़ और है वो ये है कि आप अपने जितने भी फैंस हैं उनको रिस्पॉन्स करने की भी कोशिश करती हैं, जो कि बहुत रेयर है। नॉर्मली जो सेलिब्रिटीज़ स्टार्स होते हैं वो नहीं करते। तो आप देखती हैं उनके कमेंट्स, देखती हैं उसको, लाइक भी करती हैं, उसका जवाब भी देती हैं। तो कभी ऐसा जी हुआ कि सबसे क्यूट आपको कोई कोई एक जहन में रह गया हो, किसी का कमेंट आपके काम पे, आपकी पर्सनालिटी पे, जो आपको कुछ जहन में हो, या किस तरह के कमेंट्स को इंजॉय करती हैं? कमेंट्स तो मैं सारे एंजॉय करती हूँ, और बल्कि बहुत से मेरे जो दोस्त हैं वो मुझे कहते हैं, भाई सेलिब्रिटी हर एक चीज का जवाब नहीं देते हैं तुम जरा हर एक, मैंने कहा तुम्हारे को लाइक करती हूँ, मैंने कहा कि मैं देख रही हूँ तो मैं लाइक तो करूँ, मैं बाज नहीं आती हूँ उससे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कदर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इंटरेक्ट करते हैं मेरे काम से। थैंक यू। एक दो दफा अभी काफी मजाहिया चीज हुई, क्योंकि वो मैं जब भी आजकल पिछले कोई 4-5 महीने से जब भी कोई गाना रिलीज कर रही हूँ, तो मेरे कुछ कुछ ऐसे पठान फैंस हैं जो कि बहुत बहुत ही नाराज होते हैं मेरे से, अच्छा, और तो हाँ जी बहुत नाराज होते हैं कि अगला पश्तो गाना कब आएगा, तो वो देख के मुझे डर भी लगता है, मुझे हंसी भी आती है काफी ज्यादा। तो बस ये एक तो ये बड़ी स्वीट बात है कि वो अब मेरे से लड़ना शुरू हो गए हैं। तो मैं आज, बल्कि आज ही मैं स्टूडियो में बैठी थी, तो मैंने कहा प्लीज भाई मुझसे लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, तो आई थिंक अब मुझे वो गाने रिलीज कर देने चाहिए पश्तो में। एक तो ये है, और दूसरा ये कि द स्वीटेस्ट थिंग दैट आई एवर हर्ड वाज दैट जब पैमाना निकला था, आई थिंक उसके काफी अरसे बाद, आई थिंक कोई 8 साल बाद, किसी ने मुझे टेक्स्ट किया, दे हैड अ वीडियो, उनकी जो नानी थी तो वो शी वाज इन द हॉस्पिटल और शी वाज नॉट फीलिंग वेल, या जो काफी अरसे से वो
रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी किसी चीज को, और वो फारसी जानती थी, थी लाहौर की, लेकिन फारसी में उन्होंने एमए किया हुआ था। तो मेरा गाना जब ये लगा पैमाना, तो वो उठ के बैठी और उन्होंने स्माइल किया, और वो वाह गाना, वो अभी तक मुझे वो वीडियो इतनी प्यारी लगती है, मेरे मेरे फोन में है वो। वाह एंड सो आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट, दैट्स वन ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग्स, बिकॉज जब आपका काम किसी की एक्चुअल पर्सनल जिंदगी में इतना इंटीमेटली उनको इतनी छू जाए और उनके उनको इससे फायदा हो, तो इससे ज्यादा आपको खुशी किसी चीज की नहीं मिलती। एग्जैक्टली बहुत ज़बरदस्त, बहुत वाकई क्यूट भी बात है, बड़ी एजाज़ की भी बात है कि किसी की इस तरह की कंडीशन हो और वो आपके गाने को सुन के वो दोबारा से उसके अंदर एक जो है ना जज्बा पैदा हो। जी, वो फारसी भी था ना, क्योंकि उन्होंने फारसी का गाना नहीं सुना था काफी अरसे से, तो वो उनके कानों में जब फारसी और गाना पड़ा, तो वो एकदम से ऐसे उठ उठ गई, और फिर उन्होंने स्माइल किया, तो फिर उन्होंने फिर वो किया, फिर ऐसे हाथ हिला रही थी वो छोटा छोटा सही, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ है जेब जो आपके फैंस आपके बारे में ना जानते हो, थोड़ी सीक्रेट सी हो, कुछ सीक्रेट साइट हो आपका जो आज डिस्क्लोज तो करना अगर चाहें मैं आप? बता दूं तो फिर तो वो सीक्रेट नहीं रहेगी। हाँ ये भी है, बहुत ऐसी चीजें हैं, बहुत बहुत सारी ऐसी हैं। चीजें अच्छा बहुत सारी सही सही। अच्छा जी वैसे आप ड्रामा मूवीज वगैरह देखती हैं? कभी कभार जब मुझे वक्त मिले तो मैं देख लेती हूँ। अच्छा ग्रेट। अच्छा जी ओएसटी के बारे में मैं बात करना चाह रही थी, आपका जो दुल्हन का ओएसटी जी है तो वो भी बहुत जी जी ज़बरदस्त है, मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उसको भी शेयर भी करें आप एक्सपीरियंस को भी, और उसको थोड़ा सा गा के भी हमें सुना दें। जी वो इसका एक्सपीरियंस बस यही है कि मैं वही इसी तरह अमेरिका में थी, वकार भाई की मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि मेरे साथ ओएसटी करना है, तो मैंने कहा ऑफ कोर्स करना है ऐसी बातें पूछा ना करें, तो आपको पता है बहुत बड़ी बड़ी फैन हूँ, एक तो सजाद भाई की भी और वकार भाई की भी, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कर नहीं रहा हूँ, काफी अरसे से मैंने नहीं किया, बट अभी ये एक है तो आप करके आप देख लो। उन्होंने भेजी मुझे ट्यून, और मैं काफी डरी हुई थी कि मैंने कहा पता नहीं क्या होगा, लेकिन पहला ही जब मैंने उन्हें भेजा ना एक रफ, तो उन्होंने उसको ओके कर दिया, उन्होंने कहा कि वाह बिल्कुल सही है, बस उसमें अब एक अलाप डाल दो और बहुत सही है, सब कुछ ठीक है। तो जबरदस्त। उन्होंने मुझे फिर से करने की इजाजत भी नहीं दी, क्योंकि उनको अच्छा लग गया। बस ये है हाँ कि ओएसटी में होता ही है कि पूरा गाना सुनने को नहीं मिलता, बट हाँ मुझे ये बहुत पसंद है ये हाँ ओएसटी, और इंशाल्लाह जब पूरे का पूरा निकलेगा तो फिर ऑडियंस सुनेंगी इन्हें, और आई लेकिन होप ये दे ऐसा लाइक क्यों इट। होता है, ये मतलब इतनी देर में रिलीज क्यों करते हैं? जैसे एक जो ट्रैक है ये पता दिल नहीं मेरा, वो जो शेराज उपल का है, वो भी मुझे बहुत पसंद है, और वो सिर्फ 1.5 मिनट का सॉन्ग है, और मैं वेट कर रही हूँ एक अरसे से कि कब रिलीज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। इसी तरह हम इस चीज़ का यही देखते हैं, क्या प्लान होता है इनका, क्यों नहीं करते रिलीज? पता नहीं, मेरी तो समझ से बाहर है, आप पूछिएगा जरूर अगली बार आप बात ये करें किससे पूछना चाहिए, आप मुझे बताएं, मैं आप उनका इंटरव्यू लूंगी। आई गेस चैनल्स से पूछना चाहिए कि वो क्यों ऐसे करते हैं। हाँ हाँ मुझे भी समझ नहीं आती, क्योंकि अगर वो गाना पहले रिलीज करें तो बल्कि तो ड्रामे की भी हाइप पड़ती है, हाँ जिस ना, तरह फिल्मों में ऐसे होता है कि गाने हाँ पहले रिलीज होते हैं। एग्जैक्टली हाँ जी, बिल्कुल और ऐसे ही, अगर पूरे के पूरे गाने रेडियो पे चलें तो फिर भी ऐसे होता है, हाँ उसकी हाइप बिल्कुल पड़ती है। सही बात है, यानी मैं जी सही जी सोचती हूँ, आपने उस बात की तस्दीक कर दी, जी ग्रेट। अच्छा थोड़ा सा दुल्हन हम जी सुनना चाहेंगे जेब आपसे, थोड़ा सा सुना दीजिए। मैं किसका हूँ अरमां, मैं किसकी लगन हूँ, सुलगती ना जलती मैं ऐसी अगन हूँ, हुई खाक मेरी ये पोशाक मेरी, मैं किससे पूछूं कि क्या मैं दुल्हन हूँ, आंसुओं में डूबता कोई सांस ले तो सांस ना चले, रुकी रुकी रात ढले, वाह रुकी रुकी रात ढले, आंसुओं में डूबता कोई
सांस ले तो सांस ना चले, रुकी रुकी रात ढले, रुकी रुकी रात ढले। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला, बहुत जबरदस्त। अब लास्ट में आपके मैसेजेस जो हैं आपके लिए आए हुए, एक शेख महबूब ने आपसे सवाल किया है, उन्होंने कहा है कि आपने सुबह मीठा खाया, नॉर्मली लोग कहते हैं कि अगर इस तरह की कुछ ऑयली और मीठी चीज़ खाओ तो आवाज़ खूबसूरत नहीं रहती। आपका क्या राज है, इतनी खूबसूरत आवाज़ कैसे मेंटेन की हुई है आपने, कि मीठा भी खाया सब कुछ लेकिन इसके बावजूद आवाज़ वही खूबसूरत है? जी नहीं, एक्चुअली आज मैंने बहुत बदतरीजी की और ना समझी मैं बदतरीजी की। सुबह उठते ही वहां पे दही फुल्की बनी थी घर पे, तो एक तो अमरूद भी नहीं खाना चाहिए, वो भी मैंने खाया। फिर मैंने दही फुल्की के भी एक दो चम्मच खाए, लेकिन फिर उसके बाद मैंने जरा गर्म चाय पी के उसको कवर कर दी, लेकिन खाना नहीं चाहिए, तो आज अच्छा बदतरीजी की अच्छा थी। लेकिन खूबसूरती आवाज़ में माशाल्लाह से आपकी वही बरकरार है, तो उसका उन्होंने राज भी पूछा था। क्या थैंक करती यू। हैं वैसे, कुछ आवाज़ के लिए अलग से, खाने पीने के हिसाब से कुछ ख्याल रखती हैं? बस जी, बस यही है कि जो उस्ताद साहब ने रियाजत बताई होती है वो करते हैं, और फिर थोड़ा बहुत तो हम करते ही हैं, मतलब ज्यादा ठंडी चीज से परहेज ही होता है। और हाँ, मतलब अपने गले को थोड़ा सा हम लेके चलते हैं साथ में, क्योंकि हमारा काम है। और स्पेशली सर्दियों के दिनों में मफलर वगैरह जरूर पहनते हैं हम, टोपी मफलर, तो ये इस तरह से जबरदस्त। कोशिश करते हैं, गला फिर भी खराब हो ही जाता है वैसे। हाँ वैसे जितनी एहतियात करो ना जी तो उतना ही मसले भी आते हैं ना, ये भी होता है थोड़ा सा। जी जी हाँ बिल्कुल अच्छा, अब बिल्कुल। आपने जैसे अभी बताया कि आप सॉन्ग्स, अभी वकार अली वाला भी आपने बताया, इससे पहले हारून शाहिद वाला भी, कि आपने रिकॉर्ड किया उसे वहीं, तो आपने कोई सेटअप बनाया हुआ घर पे, कोई स्टूडियो आपने खुद से बनाया हुआ अपना? नहीं जी, मेरा अपना कोई इस वक्त स्टूडियो नहीं है, मैं बना रही हूँ अपने अच्छा घर में। अच्छा लेकिन जब मैं अमेरिका में होती हूँ तो वहाँ पे मेरे कुछ चंद हैं स्टूडियो जिनके साथ मैं काम करती हूँ, अब काफी अरसा हो गया है, तो वो मेरी, हाँ जी, तो उनके साथ अब मेरी काफी रापो है, तो वहीं पे जाके मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। सही सही सही। अफरोज़न चकवा ने भी आपकी जी बहुत तारीफ की हुई है, मुबीन बुखारी कहते हैं बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू, बहुत मस्त, और इसके साथ अहमद सिद्दीकी ने आपकी बहुत तारीफ की हुई है कि जेब बंगश जितना बड़ा नाम है उससे भी कमाल की सिंगिंग और उससे बढ़ के इखलाक आपका, तो बहुत इन्होंने आपको दुआएं दी हुई हैं। थैंक और इशादुल्ला यूसुफ जई ने यू आपको सो बहुत मच। शुक्रिया कहा है पश्तो पे, तो थैंक यू सो मच जेब, बहुत अच्छा लगा इस दफ़ा थैंक भी आप हमारे साथ आई, यू और जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब थैंक यू। नेक्स्ट टाइम आप हमें ज्वाइन करेंगी तो आपकी इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे और कमाल के प्रोजेक्ट्स होंगे आज की तरह। बहुत शुक्रिया, जजाकला, बहुत थैंक यू एवरीबॉडी, और हर बार आके बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, एंड इंशाल्लाह आएंगे और गाने भी आएंगे, इंशाल्लाह तो आप बिल्कुल, और सुनते फिर रहिए। बिल्कुल सुनते भी रहेंगे, और हम आपको वैसे भी इस तरह से लाइव भी सुनना चाहेंगे, तो ज़रूर इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपको बहुत सारा काम अच्छा अच्छा आता रहे, हम सुनते रहें, और फिर यहाँ पे लाइव भी हमें सुनने को आप मिलती रहें। इंशाल्लाह, थैंक यू और मैं महावेश, उम्मीद अल्लाह करती हूँ कि हाफिज। आप मुझसे बोर नहीं हुई होंगी, क्योंकि आज मेरा भी इम्तिहान था कि नहीं दूसरी बिल्कुल भी नहीं, दफ़ा आपकी तो एनर्जी माशाल्लाह इतनी अच्छी है कि दिल ही नहीं करता खत्म होने मुझे का। भी, मेरा भी थैंक यू बिल्कुल सो मच। सीरियसली आपसे बात होना तो दिल नहीं चाहता कि ये एंड हो, लेकिन इंशाल्लाह ये सिलसिला जुड़ा हुआ है हमारा, चलता रहेगा इंशाल्लाह साथ इसी तरह से, तो ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर बात करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके जी, खुदा इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। हाफिज़।